सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं शिक्षा समाचार में। साथियों, IFMS 3.0 एम्प्लॉय वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन आप लोगों के मन में पड़ रहे होंगे और बहुत सारी दिक्कतें भी आपको आ रही होगी, तो उसको समाधान के क्षेत्र में हम लोग डेली कोई कोई वीडियो लेके आते हैं। तो आज हमारा वीडियो ये है कि आप लोग देखते हैं कि जब डीडीओ लेवल से किसी कार्मिक का डाटा आप लोग वेरीफाई कर रहे होते हैं तो सबमिट का ऑप्शन है वो हाइड रह रहा है, इसको सबमिट हम कर ही नहीं पा रहे। देखिए साथियों, ऐसा हमारे तो आ ही नहीं रहा। ये सबमिट का ऑप्शन क्यों नहीं आता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस कारणों से, यदि किसी भी कारण से नहीं आ रहा है तो क्या क्या कारण रहते हैं, क्यों नहीं आ रहा है, उसका मैं सारा आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आप लोगों को क्या क्या अपडेट करना है ताकि ये आप लोगों के सामने सबमिट का ऑप्शन आ जाए। एक छोटा सा माइनर सा कार्य है, वो लोग किस प्रकार से आप लोग करिएगा, ठीक है साथियों। आपको वीडियो प्रारंभ करने से पहले छोटा सा निवेदन करूंगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये अपन लोग डीडीओ लेवल पर लॉगिन हो गए हैं, डीडीओ की आईडी से लॉगिन हुए हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। ये रहा साथियों वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन यहाँ पे करना है। कर्मचारी लेवल से किसी भी कार्य को संपादित फिलहाल नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग कर्मचारी खुद है वो परेशान नहीं हुए, केवल और केवल डीडीओ लेवल से ये काम हो रहे हैं। तो डीडीओ लेवल पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी कर्मचारी है उन सभी के नाम, उन सभी की आईडी, उन सभी का डाटा दिखता है और यहाँ जो जो आपने वेरीफाई कर दिया है उनके नाम दिख रहे हैं और जिनको वेरीफाई करना बाकी है उनका वेरीफाई ब्लू कलर में दिख रहा होगा। इनका नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा, देखिए साथियों आप जैसे ही ब्लू कलर पे क्लिक करते हैं तो उनके डाटा दिखते हैं, उस कर्मचारी के डाटा दिख रहे हैं FMS 2 के अनुसार, यहाँ दिख रहे हैं 3 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये देखना रहेगा, ये टिक जो आ रहे हैं कुछ टिक है वो हाइलाइट्स हैं, यानी वो अपन उसको कुछ नहीं कर पा रहे, उनको है वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ टिक ना तो कर पा रहे हैं ना इसको हटा पा रहे हैं। टिक इफ चेंज रिक्वायर्ड, यदि आपको इसमें बदलाव की आवश्यकता है तो ही आप लोग टिक करिएगा, वरना टिक नहीं करना। और कुछ टिक ऐसे हैं जिनको आप कर ही नहीं पा रहे हैं, बदलाव भी करना है लेकिन टिक नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से बदलाव नहीं हो रहा है। जो जो हाईलाइट टिक्स है, यदि इस जानकारी में आपको कुछ बदलाव चाहिए, जैसे मेरी आईडी गलत है, मेरा ये गलत है या एक्टिव है या रेगुलर है, मेरी इम्प्लॉय आईडी, इनमें से यदि मेरी कोई कोई मिस्टेक्स हैं तो ये चीजें सारी पे मैनेजर से ही फेस हो रही है। आप लोग पे मैनेजर पे जाके ठीक करिएगा, रिक्वेस्ट डालिएगा, फिर वेरीफाई करिएगा। अब देखिए, अपन लोग जैसे इसको नीचे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अब ये यहाँ टिक आया, देखिए साथियों, और यहाँ पे हाईलाइट आ रहा है, सबमिट तो हो ही नहीं रहा है। मैंने इसको जैसे नीचे खिसकाया, मैंने सोचा इसको सबमिट कर दूं, मेरा ठीक है डाटा, लेकिन सबमिट तो हो ही नहीं रहा है और यहाँ ये हाईलाइट टिक भी दिख रहे हैं। तो सबमिट नहीं होने के कारण दो होते हैं, एक तो ये रहेगा कि आप यदि इस टिक को कर रहे हैं, यदि आप इस टिक को कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। यदि आप लोगों को लगता है ये डाटा कहाँ है, यहाँ पे, यदि यहाँ पे आपको लिख रहा है कि यार ये डाटा सही नहीं है, मुझे सही करना है, तो ही टिक रखना है, वरना इस टिक को हटा देना है। देखिए, अब मैं आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे सर्विस डिटेल जो आ रही है, कर्मचारी की सर्विस डिटेल के अंदर सब कुछ चेंजेबल है, केवल और केवल कर्मचारी के वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा अपडेशन की आवश्यकता इसी सेक्टर में है। अब यहाँ पे साथियों सारे के सारे ऑप्शन ब्लू टिक में आ रहे हैं, यानी ये सब की सब चीजें एडिटेबल है। एडिटेबल कहां से है, डीडीओ लॉगिन से। अब देखिए, मेरा यहां जो आ रहा है वो यदि मुझे बदलाव करना है तो मैं टिक रखूंगा, वरना टिक नहीं रखना है, मुझे उस टिक को हटा देना है। यानी मैं यहां पे क्लिक करूंगा, टिक हट जाएगा। यानी यहां जो डाटा दिख रहा है वो डाटा यदि आपका सही है, बराबर है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप लोग सारे टिक को हटा दीजिए। लेकिन यहां पे सारे टिक आप नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि एक चीज ऐसी है, डाटा वैलिडेशन फेल्ड, ये वाला जो रेड कलर में दिख रहा है इसको अपडेट करना जरूरी है, वरना आपका प्रोफाइल है वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे भी कई साथियों को दिक्कत आ रही है, यार ये डेजिग्नेशन हमारा तो आ ही नहीं रहा है, हम कैसे लाएं। कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ लेक्चरर्स ऐसे पद हैं जिनको लेकर के दिक्कत हो रही है, यार हमारा तो पोस्ट नहीं आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पोस्ट कौन सी है, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, यानी आपकी वर्तमान में जो सर्विस है, आप लोग वास्तविकता में आपका पद कौन सा है, वो आप लोगों को यहाँ सेलेक्ट करना है। कुछ साथी ऐसे हैं जो डेपुटेशन पे, जैसे पशु चिकित्सा विभाग के लोग हैं वो बीडीओ बने बैठे हैं, कुछ लोग अन्य विभागों में, जैसे अपन शिक्षा विभाग की बात करें तो समग्र शिक्षा में लगे हुए हैं, CPO RPO वगैरह लगे हुए हैं,
तो उन लोगों को यहाँ पोस्ट अपनी एक्चुअल यानी जो आपकी एक्चुअल पोस्ट है वो पोस्ट आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। आप भले किसी पद पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं व्यवस्थापक, लेकिन आपकी जो एक्चुअल पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ आप लोगों को सबऑर्डिनेट, जो भी सबऑर्डिनेट लोग हैं सर्विस में है उनको सबऑर्डिनेट रखना है। आप लोगों को यहाँ पद है वो जैसे ही क्लिक करते हैं तो यार कुछ आ ही नहीं रहा है। यदि नहीं आता वो तो क्या करना है, सबऑर्डिनेट को एक बार किसी अन्य में चेंज करिए, फिर इसको वापस सबऑर्डिनेट करेंगे तो यहाँ पे पद आपके आने शुरू हो जाएंगे। 99% तो आ ही जाता है पद, लेकिन पद यदि नहीं आता है, जैसे कोई स्टेट सर्विस होल्डर, स्टेट सर्विस में पहले वो सबऑर्डिनेट थे लेकिन अभी वो है वो फर्स्ट ग्रेड बन गए, तो उनके अभी भी यदि सबऑर्डिनेट आ रहा है तो आप लोग उसका पद है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ स्टेट सर्विस करिए। यहाँ पे आप लोगों को साथियों देखिए, जो भी सबऑर्डिनेट वाले हैं राजस्थान सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनके राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस, द राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस ये सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पद आएंगे। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको साथियों यहाँ पे चौथे नंबर पे जो भी आई एजुकेशन डिपार्टमेंट की, द राजस्थान एजुकेशन सर्विस लिखाएगा, द राजस्थान एजुकेशन सर्विस, सबऑर्डिनेट सर्विस नहीं है, केवल द राजस्थान एजुकेशन सर्विस लिखाएगा, उसी को ही सेलेक्ट करोगे तो आपके यहाँ पद दिखेंगे। ठीक है, मूल पद आपका कौन सा है वो पद आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ आप लोग नॉन गजेटेड हैं, अभी आप नॉन गजेटेड हैं तो आप इसको टिक हटा दीजिए। पेरेंटल डिपार्टमेंट आपका प्रेरक विभाग यानी आपका मुख्य विभाग कौन सा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना रहेगा साथियों। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर में आप अभी वर्तमान में आपका है वो कौन सा, करंट डिपार्टमेंट आपका यही है और आप इसमें बदलाव नहीं करना चाह रहे हैं, इसको हटा दीजिएगा। आपका वर्तमान पद टीचर थर्ड ग्रेड ही है, आप टीचर थर्ड ग्रेड ही है तो इसको हटा दीजिएगा क्योंकि इसमें बदलाव नहीं करना मुझे। आप लोग पोस्ट मैप्ड इन करंट ऑफिस, आप वर्तमान में जिस ऑफिस में लगे हैं वो किस पद पर कार्यरत हैं वो यदि सेम है तो आप लोग इसको हटा दीजिएगा। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, वास्तविक पद आपका क्या है सेम है तो आप इसको हटा दीजिएगा। यानी जो जो बदलाव करने हैं उसी टिक को आपको रखना है, जो जो बदलाव नहीं करने हैं उस टिक को आपको नहीं रखना है, इसी वजह से आपका सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपको जो जो बदलाव करने हैं वो ऑप्शन रखेंगे तो अवश्य सबमिट आएगा। देखिए मेरे जैसी कंडीशन में आ रहा है। अब यहाँ पे ये साथियों देखिए, एक्चुअल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पोस्ट मेरी कौन सी, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट तो ऑटोमेटिक आपका विभाग कौन सा, विभाग सारा कुछ सर्चेबल है, आप लिख सकते हैं कर सकते हैं। अब आप लोग देखिएगा, ये मैंने देखिए, अब मैं एक थर्ड ग्रेड टीचर हूँ, मैंने सब ऑर्डिनेट कर दिया, मेरा है वो राजस्थान एजुकेशन सब ऑर्डिनेट सर्विस, मैंने ओके कर दिया। अब मुझे डाटा वेरिफिकेशन में टीचर पद है वो मेरा एक्चुअल पोस्ट टीचर है तो मैं टीचर है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर चुका हूँ। ये मैं नॉन गजेटेड हूँ, इसलिए मुझे इसमें बदलाव नहीं करना, मैंने इसको हटा दिया है। अब मेरा पेरेंटल डिपार्टमेंट यही है तो मैं इसे बदलाव करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसको टिक किया हुआ है। अब मैं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के अंडर ही कार्यरत हूँ तो मुझे यहाँ पे इसको बदलाव नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। और मेरी एक्चुअल पोस्ट अध्यापक ही है, मुझे बदलाव नहीं करना है तो मैंने इसको हटा दिया। यानी जो जो आप बदलाव नहीं करना चाह रहे हैं उसको हटा दीजिए। ओके, तो आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा। देखिए साथियों, अभी मेरे सबमिट का ऑप्शन ये दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ सबमिट का ऑप्शन है वो खुल चुका है, मैं इसको सबमिट कर पा रहा हूं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जो जो बदलाव करना यहाँ स्पष्ट लिखा है, टिक इफ चेंज रिक्वायर्ड, यदि आप टिक रख रहे हैं तो आप, जैसे मैंने इसको टिक रखा हुआ है तो यहाँ नॉन वर्किंग या वर्किंग में लिखना सेलेक्ट करना रहेगा। यदि मैंने टिक किया है तो मेरा इनके साथ क्या रिलेशन है वो मुझे यहाँ सेलेक्ट करना रहेगा। यदि मैं इसको टिक करता हूँ या कुछ सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो मेरा सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, ये सीधा सा थ्योरी है। आप लोग यदि किसी को ब्लू टिक को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ आप लोगों को कोई कोई डाटा भरना रहेगा। आप लोग यहाँ टिक रख रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं भर रहे हैं तो सबमिट नहीं होगा। आपको ये टिक उसी स्थिति में करना है जब यहाँ आप जो डाटा दिख रहा है उसमें बदलाव है तो ही टिक रखिएगा, वरना टिक हटा दीजिएगा, सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके साथियों, तो ये था एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में आ रही समस्याओं के समाधान के संबंध में हमारा वीडियो। इसी तरह से आपको सभी का प्रेम प्यार सहयोग बना रहे, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।